Hey guys, this is Teha and welcome back to my channel. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि छोटे बच्चे यानी कि मेरा मतलब है 0 to 6 month के बच्चे के सिर क्यों गर्म रहता है. तो ये जो चीज मैं बता रही हूँ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है. कई बार मैंने अपने बेबी का जब सिर को टच किया तो काफी ज्यादा गर्म होता था, तो मैं फिर थर्मोमीटर से मेजर करा करती थी. आप सबने इसको नोटिस किया ही होगा कि शुरुआती के कुछ महीनों में बच्चे के सिर काफी ज्यादा गर्म रहता है. लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे को बुखार नहीं होता फिर भी सिर बहुत ज्यादा गर्म लगते रहता है. तो ये क्यों होता है, इसका क्या रीजन होता है और हमें क्या करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में इस सब के बारे में बात करेंगे. तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये क्यों होता है. तो इसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं. तो सबसे पहला रीजन है कि स्वेट ग्लैंड का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो इससे भी बच्चे का सर गर्म हो सकता है. तो ये तो हम सब जानते हैं कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो सारे ऑर्गन डेवलप हो रहे होते हैं. तो बच्चे को एडजस्ट करने में, मतलब इस नए वर्ल्ड में एडजस्ट करने में टाइम लगता है. तो ऐसे में बच्चे में जो स्वेट ग्लैंड होता है यानी कि जहां से पसीना निकलता है वो ग्लैंड का भी विकास हो ही रहा होता है. तो जब तक डेवलप नहीं हुई होती है तो बच्चे का सर गर्म रहता है, लेकिन जैसे ही पसीना आने लगता है तो बच्चे का बॉडी और सर ठंडा रहता है. तो आप इस कंडीशन में क्या करें, आप बच्चे को हाइड्रेटेड रखें. आप अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो फ्रिक्वेंटली ब्रेस्ट फीड करवाएं, बार बार ब्रेस्ट फीड करवाएं. और अगर 6 महीने से बड़ा है तो बीच बीच में आप कुछ सिप्स वाटर का दे सकते हैं. इससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब कोई डिहाइड्रेशन नहीं होगा, लूज मोशन नहीं होगा, तो इससे बच्चा ठीक रहेगा. दूसरा रीजन है कि गर्म कपड़े पहनने के कारण भी बच्चे के सिर गर्म हो सकता है. तो बच्चे को जब आप गर्म कपड़े पहनाते हैं या फिर समर में भी, जब क्या होता है काफी ज्यादा हम लेयर्स पहना देते हैं बच्चों को कि बच्चे को कुछ हो ना जाए, वेदर खराब है, मॉनसून है, तो इससे क्या होता है सर का तापमान बढ़ जाता है. तो क्या होता है कि काफी ज्यादा कपड़े पहनाने से या फिर विंटर में आप ज्यादा ऊन के कपड़े का लेयर्स पहना देते हैं तो बच्चे को बहुत ज्यादा गर्माहट मिलती है और इससे बॉडी गर्म हो जाता है. तो बच्चे के सर भी गर्म हो जाता है लेकिन उनमें कोई बुखार वाले लक्षण नहीं दिखते हैं. तो इस कारण से बच्चे के सर गर्म हो सकता है. तो ऐसे में हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए. तो आप क्या करिए, बच्चे को उस कपड़े को चेंज कर दीजिए, मतलब आप उस कपड़े को बदल दीजिए. बच्चे को आप कोई पतली सॉफ्ट कॉटन वाली कपड़े पहनाए. आप लेमिनेटेड फैब्रिक्स यानी कि मेरा मतलब है सिंथेटिक कपड़े बिल्कुल नहीं पहनाए. अगर काफी ज्यादा सर गर्म है तो आप कुछ घंटों के लिए जब बच्चा सो रहा है तो बच्चे को खुले देह में ही सुलाए और एक पतली सी कपड़े से ढक दे. इससे क्या होता है तुरंत ही क्या होता है बच्चे को ठंडा फील होता है और उसका सर भी ठंडा हो जाता है. तीसरा रीजन है कि बच्चे के दांत निकलने के कारण भी सिर गर्म हो सकता है. तो यदि आपके बच्चे का टीथिंग का टाइम चल रहा है, मतलब कि उसके दांत निकल रहे हैं, तो उसका सर उस समय पे गर्म हो सकता है. तो जब बच्चे का दांत 5 से 6 महीने के करीब आने लगता है तो ऐसे में बच्चे को लूज मोशन होना या फिर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना, ये सब आम बात है, बहुत ही कॉमन है, लगभग सारे बच्चे को होता है. तो सर गर्म होने का एक कारण टीथिंग भी हो सकता है. तो ये बॉडी का एक रिएक्शन होता है टीथिंग को लेकर के. तो आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है. आप बच्चे को रिलैक्स करने के लिए बच्चे को टीथर दे सकते हैं. टीथर क्या होता है, एक सॉफ्ट टॉयज आती है बच्चे के चबाने के लिए. इससे उनको आराम मिलता है, उन्हें दर्द कम होता है, उन्हें अच्छा फील होता है. इसके साथ अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो आप डॉक्टर की सलाह लेकर के बच्चे को पैरासिटामोल का ड्रॉप्स दे सकते हैं. फोर्थ रीजन है कि बच्चे जब बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं तो इस कारण से भी सर गर्म हो जाता है. तो बच्चे क्या होते हैं जनरली टेंशन फ्री रहते हैं, वो काफी ज्यादा खुश रहते हैं चीजों को सीखने के लिए, चीजों को देखने के लिए. तो कभी कभी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी उनके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने का कारण बन जाता है.
तो जब बच्चे नए चीज सीखते हैं, जैसे बच्चा जब क्रॉल करना सीखता है या फिर चलना सीखता है, तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं और इधर उधर खूब ज्यादा घूमते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे के इधर उधर घूमने से उनकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, तो इस कंडीशन में उनके बॉडी और सर का टेम्परेचर बढ़ना आम बात है, तो इस कारण से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो आप क्या करें, आप ऐसी कंडीशन में क्या करें, आप अपने बच्चे को आराम से अपने गोद में लेकर बिठाएं और रिलैक्स फील करवाएं, उसे शांत करवाएं। आप कोई लोरी गा के सुना सकते हैं और हो सकता है कि लोरी सुनते सुनते बच्चे को नींद आ जाए और बच्चा सो जाए, तो इससे क्या होगा, बच्चे के देह में आराम होगा, मतलब बच्चे को आराम मिलेगी और अल्टीमेटली क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। फिफ्थ रीजन है कि मौसम गर्म होने पर भी बच्चे का बॉडी और सर गर्म हो सकता है। तो क्या होता है कि हमारे सराउंडिंग्स में हमारे वातावरण के गर्मी के कारण बच्चे के सर गर्म हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप बच्चे को मॉडरेट एसी टेम्परेचर में या फिर पंखे के पास रखें। अगर ज्यादा सर गर्म लग रहा है तो आप पानी में कपड़े को भिंगो के बच्चे के सर को धीरे धीरे पीछे से पोंछ सकते हैं। यदि थर्मोमीटर में बुखार नहीं दिखा रहा है तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, ये मौसम के कारण भी हो सकता है। सिक्स्थ रीजन है कि कई बार ये सामान्य भी होता है, मतलब कि कभी कभी बच्चे के सर का गर्म रहना सामान्य भी हो सकता है। इससे मेरा मतलब है कि आप जैसे काम करके आते हैं और पानी से भींगा हाथ से आप बच्चे को छूते हैं, तो आपका हाथ तो ठंडा रहता है और फिर बच्चे को जब आप छूते हैं तो बच्चे के सर को टच करने पे आपको वो गर्म लगता होगा और आपको लगता होगा कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, कहीं बुखार तो नहीं है। तो ये क्या होता है कि आपके हाथ ठंडा होने के कारण आपको ज्यादा टेम्परेचर लगता है, और इसके साथ क्या होता है, कभी कभी बच्चे के बॉडी का टेम्परेचर दोपहर में बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है फिर घट जाता है। तो ये सब कॉमन है, ये सब कंडीशन सामान है, आपको इससे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करें, 7 दिन का टेम्परेचर आप एक टाइम का बच्चे का नोटिस करिए, उसे लिखते जाइए। अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो फिर सब ठीक है, सब कॉमन है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं बताती हूँ कि आपको अगर ज्यादा लग रहा है कि 5-6 दिन से आपको ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है बच्चे के सर का, तो आपको क्या करना है। तो इस कंडीशन में सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने बच्चे को सोते टाइम कपड़े नहीं पहनाए। दूसरी बात है कि आप बच्चे की पेट की मालिश करें और बच्चे को खूब पानी पिलाए, या फिर अगर बच्चा 6 मंथ से छोटा है तो आप फ्रिक्वेंटली ब्रेस्ट फीड करवाए और बच्चे को ज्यादा से ज्यादा आराम दे, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा सुलाए। इससे बॉडी को रेस्ट मिलेगी और बच्चा अपने आप ही ठंडा फील करेगा और सर भी ठंडा हो जाएगा। तीसरी बात है कि आप रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री से अधिक नहीं होने दें, 25 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करके रखें। अगर इससे भी ना हो तो आप क्या करें कि नॉर्मल वाटर में गीली पट्टी रख के बच्चे के सर पे रख सकते हैं, इस सबसे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। ये जो मैंने आपको 4 बताया है आप ये करके देखिए, काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। इसके साथ एक अच्छी चीज आप कर सकते हैं कि जब भी आपको टाइम मिले आप बच्चे को बाहर ले जाएं या फिर छत पे ताजी हवा में घुमा दें और उसे मोजे, जूते या फिर सिंथेटिक कपड़े से कुछ भी बना हुआ अभी नहीं पहनाए, आप उन्हें केवल सॉफ्ट कॉटन की कपड़े ही दे, वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है बच्चों के लिए। बच्चे को पसीना आता है तो उसको भी वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और बच्चे को ठंडा ठंडा फील होता है। तो आप बच्चे के लिए अभी कॉटन का कपड़ा ही यूज करें, क्योंकि कोई भी हार्ड फैब्रिक बच्चे के लिए या बच्चे के बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। ये बच्चे में हीट रैश पैदा कर सकता है या फिर हीट स्ट्रोक पैदा कर सकता है और बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकती है, हो सकता है बच्चे को उल्टी होने लगे या फिर लूज मोशन होने लगे, तो आप सॉफ्ट कॉटन कपड़े का ही यूज करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको डॉक्टर के पास बच्चे को कब ले जाना चाहिए, मतलब कि ऐसा क्या कंडीशन होगा कि आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। सबसे पहला है कि यदि आपका बच्चा काफी ज्यादा डिस्कम्फर्ट में है, बहुत ज्यादा परेशान है, रो रहा है और अगर ऊपर बताए हुए उपाय से भी कुछ नहीं हो रहा, कोई कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है,
तो आप इस कंडीशन में तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाएं। दूसरा है कि अगर आपका बच्चा काफी ज्यादा पानी पीने के बाद भी डिहाइड्रेटेड रहता है, यानी कि बच्चे को उल्टी हो रही है, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर बच्चे को सुसु नहीं हो रहा है, या फिर सुसु होने पे पीले रंग का हो रहा है, उसमें से स्मेल आ रही है, तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। तीसरा है कि यदि बच्चे को बुखार हो जाता है और कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर बढ़ ही रहा है, तो बच्चे को डॉक्टर के पास इमीडिएटली लेकर जाए। वीडियो को एंड करते करते मैं आपको कहना चाहती हूँ कि सारे बच्चे अलग होते हैं, कुछ बच्चों में तब भी बुखार वाले लक्षण आ जाते हैं जब उनको बुखार नहीं होता। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली थर्मोरेगुलेशन सिस्टम का डेवलप होने के कारण उनका सिर गर्म या फिर हल्का गर्म हो सकता है। आपको केवल नोटिस करते रहना है और टेम्परेचर मेजर करना है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो फिर सब ठीक है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 100 से ज्यादा है, तो आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास इमीडिएटली ले जाओ। आई होप आपको मेरे इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी वीडियोस आप देख पाए। तब तक के लिए आप अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए टॉपिक के साथ। सी यू सून।